सेशन 22-23 में जो बच्चे एंटर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्या इस साल जो एग्जाम्स होंगे वो टर्म वन टर्म टू पे बेस्ड होंगे या सिंगल एग्जाम पैटर्न पे जो है वो बोर्ड मूव कर जाएगा। यही सेम कंफ्यूजन क्लास 9th, 10th, 11th, 12th सब क्लासेस के बच्चों को जो है वो हो रहा है कि सीबीएसई जो है वो टर्म टू टर्म वन को सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो नई एजुकेशन पॉलिसी में स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन्ड है कि दो टर्म्स के हिसाब से जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर मैं लास्ट ईयर सीबीएसई की वर्डिंग्स और सर्कुलर्स जो उन लोगों ने जारी किए थे उन पे अगर हम लोग देखें तो उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ये जो टर्म वन टर्म टू के एग्जाम्स हैं ये सिर्फ कोरोना पेंडेमिक की वजह से एक इवेल्युएशन जो है वो बोर्ड की तरफ से प्रपोज किया गया था। ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि बोर्ड अब इसी क्राइटेरिया से जो है वो नेक्स्ट ईयर्स के अंदर भी जो है वो इवेल्युएट करेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो है वो सीबीएसई को टर्म वन टर्म टू का जो ये एग्जाम का पैटर्न था ये पिछले साल तक ही वैलिड था, इस साल जो है वो सिंगल एग्जाम पैटर्न के ऊपर जो है वो एग्जाम्स लिए जाने वाले हैं। लेकिन इस पे देखते हैं कि बाकी न्यूज चैनल्स की जो है वो क्या राय है। तो कल बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, जिसमें अगर मैं स्पेसिफिकली हिंदुस्तान टाइम्स की बात करूं तो इसने भी स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि ये जो सीबीएसई जो है वो वन बोर्ड एग्जाम पैटर्न पे जो है वो मूव करने वाला है। लेकिन यहां पे नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो है वो यहां पे भी मेंशन कर रखा गया कि दो पैटर्न्स के हिसाब से होने वाला था। लेकिन इन्होंने यहां पे एक बड़ी अच्छी चीज मेंशन कर दी है कि जुगाड़ से इन्होंने जिस बंदे का नाम नहीं बताया सीबीएसई का, उसने ये कह दिया है कि ये जो है वो सिर्फ पिछले साल की वजह से थी, इस बार को जो कंडक्ट करेगा एग्जाम शायद एंड के अंदर ही करे जाए एग्जाम सिंगल पैटर्न के ऊपर। बाकी न्यूज चैनल्स जो बिजनेस टुडे वगैरह है वो कह रहे हैं कि येट टू डिसाइड है, ये थोड़े से सीधे तरीके से चलते हैं क्योंकि सीबीएसई ने ऑफिशियल साइट्स पे जो है वो कोई भी अनाउंसमेंट्स नहीं कर रखी हैं। बिजनेस टुडे भी यहां पे लिख रहा है कि ये सिर्फ असेसमेंट का क्राइटेरिया जो था ये सिर्फ कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से था। बाकी एनडीटीवी जो है वो यहां पे क्या मेंशन कर रहा है कि अभी होगा नहीं होगा ये भैया अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में इन लोगों ने भी सेम ही वर्डिंग्स जो है वो लिखी हुई है। तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को जो है वो सिंगल एग्जाम पैटर्न के हिसाब हो चाहे मल्टी एग्जाम पैटर्न हिसाब हो, हमारी प्रिपरेशन है, हर चीज को अच्छे से जो है वो करो। जो क्राइटेरिया रहेगा जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होंगी तो आप सबको जो है वो पता लग जाएगा। मेरे हिसाब से सिंगल एग्जाम पैटर्न इवेल्युएशन ही बोर्ड जो है वो लेने वाला है। क्या इसका मतलब ये है कि बोर्ड्स को जो है वो मल्टीपल चॉइस आंसर्स नहीं अपने को प्रिपेयर करने, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार सिंगल एग्जाम जो लास्ट में कंडक्ट होने वाला है उसके अंदर भी 15-20 एमसीक्यूज बोर्ड जो है वो डाल देता है, जो कि पिछले सालों में जो है वो बोर्ड करता आ रहा था। किसी भी चीज को जो है वो नहीं इग्नोर करना है, आपको सिस्टमैटिक प्रिपरेशंस जो है वो रखनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग सेशन, आम आदमी एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, बहुत सारे वीडियोस आप बच्चों के लिए जो है वो आते रहेंगे। बाय बेटा।